सर उधर ही आप लोग आप उधर ही पहले रिबन कर सर ऊपर उठा सर 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 इस तरह सर सर एक सेकंड सर सर इधर पीछे भी है सर नहीं नहीं बस तो पीछे इधर से पोज दे दो मिठाई उठाइए झंडे ऊपर करिए बस हाँ हाँ बस थैंक यू चलिए थैंक सर चलो बस हो गई सीट्स कितनी पीछे ग्लास है या बंद है बहुत जल्द टेंडर्स जो है वो रिलीज हो जाएंगे और ये एक महीने में तीसरी बस जो है एज अ पायलट हम इसको रन कर रहे हैं पहला फोटोन ने सेकंड जीवनी और तीसरा ये इलेक्ट्रा और बीवाईडी का अंकित ऑडियो नहीं आ रहा यार और ये जो कंपनी है ये क्लेम कर रही है कि 250 किलोमीटर विदाउट चार्ज जो है एक सिंगल चार्ज जो इसका डिपो में चार्ज किया जाएगा इस बस को रात को और उसके बाद ये पूरा दिन लगभग 250 किलोमीटर ये रन करेंगे तो बेसिक मकसद जितना भी ये ट्रायल हम कर रहे हैं उसका बेसिक मकसद ये है कि जो कंपनीज क्लेम कर रही हैं क्या वाकई में हकीकत में ऑडियो नहीं आ रहा है रियलिटी में वो परफॉर्मेंस है या नहीं फीडबैक हैज़ बीन क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री लेकिन अभी जो फोटोन का जो बस है उसमें भी दोपहर के टाइम एक बार उसको चार्ज करना पड़ रहा है JBM का थोड़ा समय ज़्यादा लग रहा है चार्जिंग में 2 घंटे से ज़्यादा उसको दोपहर में चार्जिंग करना पड़ रहा है तो ये जो बस है इसका ये देखना है कि वेदर इट इज़ एबल टू रन 250 किलोमीटर्स क्योंकि हमारी जो दिल्ली में जो रूट्स हैं मोस्टली वो लगभग दिन में 220 किलोमीटर का एवरेज रहता है सो वी आर जस्ट ट्राइंग टू असर्टेन दोस थिंग्स ऑन ग्राउंड सर जो नॉर्मल सीएनजी बसें हैं वो कब तक टाइम नीचे कर ले थोड़ा क्योंकि समय बहुत लग रहा है सर नीचे यार आईडी थोड़ी नीचे कर लो तो जब कंपनी वाले बस देंगे तभी चलेगी ना क्योंकि ऐसे अगर दो एक दो दो महीने में सर अगर एक एक महीने में पहले कैमरा तो नीचे रख यार तो लोग 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 वो तो कंपनीज के ऊपर डिपेंड है व्हेन दे आर रेडी टू सर का टेंडर कब तक होगा और जो नॉर्मल सीएनजी बसें हैं वो कब तक सड़क पे दिखाई देंगी सभी नहीं आ रही क्या चीज एक तो ये जो इलेक्ट्रिक बसें का टेंडर कब तक आपको उम्मीद लग रही है इलेक्ट्रिक बसेस का टेंडर नॉर्मल सीएनजी कब तक आएंगे इलेक्ट्रिक बसेस का टेंडर फाइनल स्टेज में है वेरी सून इट विल बी प्रेजेंटेड टू द कैबिनेट एंड वंस इट इज अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट द टेंडर विल बी फ्लोटेड और नॉर्मल सीएनजी बसेस कब तक आ जाएंगी नॉर्मल सीएनजी बस का तो टेंडर फ्लोट कर दिया गया है कब तक सड़क पे दिखाई देंगे I think by April, May, we are expecting ki, or maybe June, we are expecting ki unka delivery jo hai start ho jayega. So the draft electric policy, will there be any changes to the final document that will be released? Nahin to bataya tha ki jo objections ya suggestions jo aayenge, un pe department jo hai unko examine karega, aur uske baad hi final policy release ki jayegi. Any major changes that have been suggested? We are still receiving objections. अभी तो objections जो है वो receive हम कर रहे हैं. Sir, दिल्ली में सर प्रदूषण की बहुत जो समस्या है वो बढ़ गई है. Odd even के लिए serious consideration भी केजरीवाल ने कहा था कि वो करेंगे. लेकिन क्या कोई timeline है कब करेंगे उसको लेकर कुछ सोच आगे चल रही है? वो सारा तो determined है grab से. जैसे अगर जो भी जरूरत होगा करने का तो we are fully prepared. जो भी कदम उठाने पड़ेंगे वो देर सरकार कदम उठाएगी. So what was the conclusion that led to the hiking parking charges recently? No, I think जो नोट मैंने लिखा वो काफ़ी elaborate था. उसमें काफ़ी deficiencies हैं, irregularities हैं and we have all the file कल मंत्री के ऑफिस में आ गई है. And more importantly,
The file was never placed before the minister. So without approval from the minister, I don't think these things can be done. Sir, अब तक कई trial हो चुके हैं बसों में. कब से लोग चढ़ना शुरू कर पाएंगे? Sir, ID नीचे कर लो यार. Can or be ID नीचे कर लो यार थोड़ी. Route पे चल रही हैं बसें. तीर मुद्रिका route है. ये आनंद विहार से मेहरौली का रूट है तो लोग तो उसमें यूज कर रहे हैं बस इसको. लेकिन सर मतलब कि फुल फ्लेज या जितनी आप लोग बता रहे हैं कब तक उम्मीद कर रहे हैं लोग, कब तक कोई डेडलाइन दे रहे हैं कि तब तक आ जाएंगे? एक बार टेंडर फ्लोट होंगे उसके बाद जो L1 सिलेक्ट होगा उसके बाद जितना कंपनी को समय चाहिए होगा कि वो बसेस डिलीवर करें उतना समय के बाद बसेस आप सड़क पे देखेंगे. सर एक साल में मान लिया जाए कि 2-3 साल लगेंगे अभी. वेरी सुपर चुनाव से बात तो आ जाएंगे. नो नो इन द मंथ ऑफ जनवरी विल डू इट. थैंक यू.